भैया स्क्रीन पे चालू। जी हाँ, कुछ ही मिनट पहले टॉस किया गया था। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का तीसरा दिन का आज पहला मैच पंजाब टाइटंस और लाल आने किंग्स के बीच टॉस किया गया था। पंजाब टाइटंस ने टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला टॉस जीतकर सफल होंगे। काफी अच्छा मौसम दोनों करने का फैसला किया। ये देखना ज़रूरी होगा आज चौथा मैच का विजेता कौन सा टीम अपने नाम करेंगे। और कल के मैच हमने देखा तानी हंटर्स वर्सेस पपुम रॉयल के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त रोमांचक मैच हमने कल लाइव देखा। पपुम रॉयल और तानी हंटर्स के बीच में तानी हंटर्स ने ज़बरदस्त प्रदर्शन की और मैच अपने नाम की। आप देख सकते हैं खूबसूरत एबी ग्राउंड का नज़ारा। कुछ ही मिनटों बाद तीसरा दिन का पहला मैच शुरू किया जाएगा। पंजर टाइटंस वर्सेस लालाने किंग्स के बीच। बता दूं फिर से पंजर टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्वागत है फिर से पंजोर टाइटंस और लाल आने किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा। लाल आने किंग्स के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। नाबम आबो टीम कप्तान, नाबम कामा, तिची तिकली, तली राधे, नाबम ताही, नाबम दोयंग, तायुम येरे, नाबम जेस, गोलो तालुम, प्रदुमन तिवारी, मनीष और 12 मेंस में है तबातुलो। पंजोर टाइटंस के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। टिशी तिकू टीम कप्तान, तिची सोनम, याब दोदुम, तना जेम्स, नाबम इंडिया, तामहिना, तोको तारक, संगम लोमा, नाबम ताकम, निशांत कुमार, गौतम यादव और 12 मेंस में सुमन गातराज। पंजोर टाइटंस ने अपना पहला मैच हारा था तो आज उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होंगे। और हमारे तीसरा दिन का पहला मैच कुछ ही मिनटों बाद शुरू होंगे। पंजोर टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। देखना जरूरी होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज, टीम कप्तान खुद आए हैं तिशी तिकू, उनका साथ देने आए हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में संगबम लोमा। जी हाँ, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पे प्रवेश कर चुके हैं। तिशी तिकू और संगबम लोमा, टीम कप्तान तिशी तिकू खुद आए हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में और उनके साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं संगबम लोमा। आज इन दोनों ही बल्लेबाज को एक अच्छी पारी खेलना बहुत ही ज़रूरी। कल पंजोर टाइटंस ने अपना पहला मैच हार का सामना किया, आज बहुत ही ज़रूरी इस मैच को जीतने के लिए। मैं फिर से बता दूं, पंजोर टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आप इस मैच को घर बैठे बैठे लाइव पवेलियन टीवी पे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और सलामी गेंदबाजी के रूप में आए हैं नाबम आबो, लाल आने किंग्स के टीम कप्तान। अनुभव की कमी नहीं, रणजी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल चुके हैं और सलामी बल्लेबाज के रूप में तिशी तिकू स्ट्राइक लेंगे। तिशी तिकू के साथ भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं, रणजी खेल चुके हैं। ये दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक ही टीम में खेलते हैं तो आज देखना जरूरी। आबो तू तिकू और यहाँ हल्की सी रनअप के मिस के चलते जी हमें बता रहा था, ये दोनों ही प्लेयर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक ही साथ रणजी मैच खेल चुके हैं, अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अबो की बात करें तो एक्सपीरियंस की कमी नहीं, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सामना करेंगे तेशिती को। और यहाँ पहला ही गेंद डिसाइड। जी हाँ, विकेट कीपर के पीछे से पाइन लेग रोक नहीं पाएंगे, 4 रन मिलेंगे। यहाँ देखना जरूरी। जी हाँ, बहुत ही तेशितिको के करीब से निकला डिसाइन गेंद के साथ पूरा 5 रन। इस बार कवर के दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पहला चौका, इसी चौके के साथ अपना खाता खोला तेशितिको ने। अच्छा शॉट, बेहतर कनेक्शन। मैंने पहले ही कहा था ये दोनों ही प्लेयर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तेशितिको और नावम आबो। तेशितिको भी एक अच्छी बैट्समैन है। पुल कर दिया है, फील्डर उसके पीछे, आउटफील्ड काफी स्लो। जी हाँ, यहाँ नाबम दोयंग मौजूद, आसानी से रोक लिया। 2 रन जरूर मिलेंगे। अच्छी शुरुआत यहाँ पंजोर टाइटंस को, अब तक केवल 2 गेंद में 11 रन आ चुके हैं। तेशितिको टीम कप्तान खुद आए हैं, सलामी बल्लेबाजी के रूप में एक अच्छी शुरुआत देना चाहते हैं। आज पंजोर टाइटंस को अपना दूसरा मैच को जीतना बहुत ही जरूरी। फिर से इस बार ड्राइव कर। जी हाँ, फील्डर तैनात, मगर हल्की सी मिस फील्ड के चलते 2 रन भी चुराने में कामयाब हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ दोनों ही बल्लेबाजी के बीच में। तेशितिको जो अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, आते ही 8 रन बना चुके हैं केवल 3 गेंद का सामना करके, और 13 रन आ चुके हैं टीम के स्कोर बोर्ड में। इस बार थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर, मगर आसानी से 1 रन चुराने में कामयाब हुए, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 14 रन। जबरदस्त शुरुआत यहाँ पंजोर टाइटंस के लिए। अब स्ट्राइक पे आए हैं सांबम लोमा। सांबम लोमा और इस बार थोड़ी सी लेट हुए सांबम लोमा, कुछ भी हो सकता था। अच्छी गेंद, सगाली सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलते हैं सांबम लोमा। इस बार भी डिसाइन गेंद, यहाँ वाइड का इशारा, हल्की सी महंगा साबित होते हुए नावम आबो। 15 रन आ चुके हैं इस ओवर से। हालांकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं पर उनको थोड़ा समय लेना होगा। और इस बार अच्छी गेंद यहाँ अंदर आती हुई गेंद संगम लोमा समझ नहीं पाए। मैंने पहले ही कहा था जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और इसी के साथ ही पहला ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन ओवर स्कोर मूव्स ऑन 15 रन लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं, अब देखना होगा। एक अच्छी शुरुआत मिला पंजोर टाइटंस को, 15 रन आए पहला ओवर से। गेंदबाजी करने आए हैं मनीष। स्ट्राइक में तिशीती को पंजोर टाइटंस की टीम कप्तान अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार जी हाँ पॉइंट के दिशा में खेल दिया है, फील्डर के बीचों बीच सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलेंगे। लगता है तिशी तिकू आज मन बना के आए हैं डगआउट से। अच्छा कनेक्शन, उतना ही अच्छा शॉट यहाँ। पहला ही गेंद मनीष को 4 रन के साथ स्वागत किया तिशी तिकू ने। फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे, मगर इस बार फील्डर मौजूद। उन्नीस रन आ चुके हैं टीम के स्कोरबोर्ड में। अच्छी शुरुआत देते हुए तिशी तिकू। पुलटोस गेंद इस बार भी कवर्स के दिशा में, फील्डर के बीचों बीच चौका। यहाँ 8 रन आए केवल 3 गेंदों में। बेहतरीन शॉट, जी हाँ बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ तिशी तिकू के बल्ले से। और इसी 4 रन के साथ तिशी तिकू का निजी स्कोर 17 रन केवल 7 गेंदों में। इस बार फील्डर मौजूद, मगर आसानी से 1 रन भी चुराने में कामयाब हुए। जबरदस्त शुरुआत देते हुए यहाँ टीम कप्तान खुद आए हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में। और अच्छी शुरुआत देते हुए 24 रन आ चुके हैं। अब स्ट्राइक पे आए हैं संगम लोमा, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पुलर गेंद ड्राइव करना चाहते थे, मगर बल्ले पे संपर्क नहीं। संभम लोमा यहाँ अब तक अपना खाता नहीं खोला, समय लेना जरूरी। तिशी तिकू अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। काफी सुंदर गेंद यहाँ, हल्की सी स्विंग प्राप्त किया। संगम लोमा को चकमा दिया, समझ नहीं पाई संगम लोमा। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद के साथ दूसरा ओवर की भी समाप्ति। 2 over has been complete. Score moves on 24 run, lost of 0 wicket. फिर से नाबम आबो आए गेंदबाजी करने। सामना करेंगे टेसीटी को। जी हाँ, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग, यहाँ इसी तरह की फील्डिंग की जरूरत। अच्छी फील्डिंग, हालांकि एक रन चुराने में सफल हुए। अब स्ट्राइक पे संगम लोमा, इस बार बल्ला चलाया, यहाँ एक रन चुराने में कामयाब हुए। नाबम ताही मौजूद थे मगर ठीक से रोक नहीं पाए। रिप्ले देखना होगा। जी हाँ, यहाँ पिछला और गिर गए मगर गेंद को रोकने में कामयाब हुए। टीम कप्तान नाबम आबो अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं। सामना करेंगे तिशी तिकू, कप्तान वर्सेस कप्तान। इस बार भी फील्डर के बीचों बीच ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट, पॉइंट के बीचों बीच 4 रन निकाले तिशी तिकू ने, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए। इस शॉट को देख के लगा खेलना कहीं और चाहते थे मगर गेंद गई कहीं और। इस बार जी हाँ, इस बार फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तिशीतिकू, यहाँ तिशीतिकू के बल्ला शांत होने का नाम नहीं ले रहे। हर एक गेंद में चौके और चक्के की तलाश में। इस तरह की तिशीतिकू का लगभग 220 का जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद करते हैं तिशीतिकू से। इस बार अच्छी गेंद, इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत। तिशीतिकू का बल्ला को खामोश रखना है तो अच्छी गेंद कहूंगा। मैं बता दूं, आज दिन का पहला मैच खेला जा रहा है पानेर टाइटंस वर्सेस लाल आने किंग्स के बीच। पानेर टाइटंस ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अच्छी शुरुआत अब तक। इस बार भी बल्ला चलाया मगर फील्डर तैनात। जी हाँ, आसानी से 1 रन चुरा लेंगे और इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर समाप्ति के बाद 31 रन लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। जी हाँ, फिर से आए हैं मनीष, अपना दूसरा ओवर डालेंगे। सामना करेंगे टीसीटीकू, कदमों का इस्तेमाल मगर इस बार गेंद स्विंग के चलते यहाँ गेंदबाजी को मदद मिला और बल्ले पे टीसीटीकू सही से संपर्क नहीं कर पाए। जी हाँ, एयर में हल्की सी स्विंग और पुलर गेंद, मगर बल्ले पे संपर्क नहीं, जितना संपर्क होना चाहिए था। पूरा फायदा उठाना चाहते थे तीसी को इस गेंद को, मगर कनेक्शन उतना बेहतर नहीं। स्ट्राइक पे संग बमलोमा, फिर से यहाँ ड्राइव करना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी अब तक कर रहे हैं मनीष, 3 गेंद डाल चुकी है, अब तक मात्र 1 रन दी। लाल आने किंग्स का मैं बता दूं ये पहला मैच है, पहला मैच और पहला तलाश, जीत की तलाश जरूर करेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला, मनीष झा की ये अच्छी कमबैक। पहला ओवर थोड़ी सी महंगा साबित जरूर हुई, मगर दूसरी ओवर में उतने ही बेहतर कमबैक यहाँ बल्लेबाज की बल्ला खामोश रखने में सफल हुए अब तक। फिर से यहाँ संगमलोमा जोरदार बल्ला चला रहे हैं, मगर फिर से बार बार बल्ले पे संपर्क नहीं, गेंद और बल्ले में कहीं संपर्क नजर नहीं आ रहे। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सगाली सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बहुत बार खेल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट तादोकोली पापुम पारे को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनको थोड़ा समय लेना होगा। जी हाँ, इस बार देखना होगा, गेंद हवा में मगर बहुत ही खराब फील्डिंग, यहाँ कैच का मौका बना, विकेट चटका सकते थे। इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो बहुत ही महंगा पड़ सकता है। संगम लोमा का बल्ला यहाँ गेंद से फिर से संपर्क नहीं, ठीक से याद देखना होगा। जी हाँ, जी हाँ, सीधा बल्ला जबरदस्त चलाया जरूर, मगर कैच का मौका भी बना, मगर खराब फील्डिंग कहूँगा। और इसी के चलते ओवर की समाप्ति। After the completion of 4 overs, score moves on 33 runs, loss of 0 wicket. अब आए हैं फिर से टीम के कप्तान खुद नाबम आबो। जी हाँ, इस बार अच्छा गेंद, अपना 3रा ओवर डाल रहे हैं नाबम आबो। रणजी जैसे डोमेस्टिक बीसीसीआई के टूर्नामेंट में लगातार परफॉर्मेंस करते आए हैं नाबम आबो। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, संगम लोमा को दिक्कतें जरूर होंगे नाम अबो की गेंद को खेलने में, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाजी है। मैंने जी हाँ, अच्छी गेंद, फिर से मैंने पहले ही कहा था खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं। नजर संगम लोमा की एक बल्लेबाजी में एक नज़र डाले तो अब तक स्ट्रगल करते हुए बल्ले गेंद से संपर्क ठीक से नहीं कर पा रहे हैं अब तक, और नावावा पूरा कोशिश कर रहे हैं दबाव में डाले संगबाम लोमा को। इस बार पुल किया है, गेंद हवा में जरूर मगर फील्डर तैनात नहीं। इस बार आसानी से 2 रन जरूर मिलेंगे। चार रन बना चुके हैं संगबाम लोमा। इस बार अच्छा गेंद मगर बहुत ही जोरदार बल्ला चलाया संगबाम लोमा ने, मगर संपर्क फिर से नहीं। पाइनले की दिशा में 1 रन। अब स्ट्राइक पे तेसीतिकू जानते हैं नाबो को अच्छी तरह से किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और संगबाम लोमा को दिक्कतें जरूर होंगे। दोनों ही नाव और तेसीति को मैंने पहले ही बताया था, रणजी से टूर्नामेंट में एक ही टीम पे अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेल चुके हैं, तो ये दोनों ही खिलाड़ी अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को। जी हकदमों का इस्तेमाल किया इस बार भी, मगर पाइन लेग के फील्डर को शॉर्ट पाइन पे रखा। इसी के चलते 4 रन भी मिल जाएंगे। बहुत ही खराब फील्डिंग हमें बार बार, जी हाँ, यहाँ शायद रोक सकते थे मगर खराब फील्डिंग। नाम अब वो टीम कप्तान बहुत ही नाखुश होंगे अपने फील्डर से। इस बार स्कूप, इस बार भी मौका बना। जी हाँ, बहुत ही खराब फील्डिंग बार बार यहाँ के चूता हुआ मौका बनाया नाबो ने। इसी तरह की फील्डिंग की उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे टीम के कप्तान नाबो, नाखुश होंगे अपने फील्डर से। जी हाँ, यहाँ शॉट अच्छा जरूर था मगर कनेक्शन उतना अच्छा नहीं। तेसीति को जानते थे डीप पाइन लेग के बिल्डर शॉर्ट पाइन लेग में तैनात है, तो उसके ऊपर से खेलना चाहते थे मगर बाल बचे यहाँ। पहला जीवनदान, इसके साथ 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 41 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। मनीष आए हैं अपना तीसरा ओवर डालेंगे, और ये रेस्ट्रिक्शंस ओवर्स का ये आखिरी ओवर डालने आए हैं खुद मनीष। अपना दूसरा ओवर अच्छी गेंदबाजी की थी, अब तीसरा ओवर देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे सामने मौजूद तेसीति को। कदमों का इस्तेमाल के साथ पुलटोस गेंद, मगर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं जितना कनेक्शन की तलाश में थे तेसीति को। 1 रन भाग सकते, 1 रन चुराने में कामयाब जरूर हुए। अब स्ट्राइक में संगबाम लोमा। इस बार भी संगबाम लोमा यहाँ बार बार स्ट्रगल करते हुए जी हाँ जी बल्लेबाजी करते जरूर हैं मगर आज थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए इस बार उतार दिया है। जी हाँ, फील्डर के ऊपर से यहाँ जी हाँ 4 रन का इशारा। आखिरकार यहाँ संगम लोमा ने 4 रन निकलने में सफल हुए। और ये पहला चौका संगम लोमा के बल्ले से। अच्छा शॉट फील्डर के ऊपर से खेला। अपील जरूर मगर कोई इशारा नहीं। 1 रन मिल जाएंगे। 3 गेंद बचे हैं अब रेस्ट्रिक्शंस ओवर का समाप्त होने में। तिशीति को अब स्ट्राइक पे पूरा लाभ उठाना चाहेंगे इन आखिरी ओवर का। माफी चाहूँगा, जी हाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर्स को बाहर कर दिया है। फील्डर तैनात कर दिया है लॉन्ग ऑन्स में। अब देखना होगा इस बार भी कनेक्शन उतना बेहतर नहीं। जानते हैं तिशीति को ये आखिरी ओवर है रेस्ट्रिक्शंस का, तो पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। अब स्ट्राइक पे संगम लोमा। हालांकि स्ट्रगल जरूर की मगर लगता है अब संगम लोमा के आशियात हो चुके हैं, तो एक बेहतर पारी की उम्मीद करेंगे। जी हाँ, इस बार विकेटों का इस्तेमाल मगर बाल बाल बचे। यहाँ गेंद विकेट से टकराते टकराते हुए खूबसूरत गेंद। यहाँ बाल बाल बचे और इसी खूबसूरत गेंद के साथ ओवर की भी समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 48 रन लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। इसके साथ रेस्ट्रिक्शंस ओवर की समाप्ति। कल हमने दोपहर मैच में देखा पापुम रॉयल वर्सेस तानी हंटर्स के बीच मैच खेला गया था। तानी हंटर्स ने मैच को जीता। नई गेंदबाजी लेके आए हैं अब गोलो तातुम। अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सिलसंगो सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। सिलसंगो सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन के जितने भी खिलाड़ी, अच्छी खिलाड़ी अब तक देखा गया। अब नाम गोलो तातुम को देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। पिछले सर्कल मैचेस में हमने देखा गोलो तातुम ने बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन की, तो आज भी उनसे टीम कप्तान यही उम्मीद करेंगे। इस बार जी हाँ समय मिला, एक्रॉस आए और मिड विकेट के दिशा में खेल दिया है। सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तिशीति को सेट हो चुके हैं। खराब गेंद को छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी चौथी हल्की सी चौथी गेंद और उतना ही पूरा लाभ उठाया तिशीति को ने। और इसी 4 रन के साथ तिशीति को का अपना निजी स्कोर 36 रन पे पहुंच चुके हैं। इस बार भी पुल कर दिया है, खराब गेंद और पूरा लाभ उठाया तिसिदिकु ने। जबरदस्त बल्लेबाज कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट लगभग 200 का, करंट स्ट्राइक रेट तिसिदिकु का 199। गोलो तातुम इस तरह की गेंदबाजी नहीं करते, देखना होगा आगे की गेंद किस तरह की करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस बार जी हाँ डिजाइन गेंद, यहाँ अंपायर की ओर से वाइड का इशारा। जी हाँ, सीधा बल्ला से खेला, 1 रन जरूर मिलेंगे। हल्के हाथों से छोड़ देते हैं गोलो तातुम गेंद को, इसी के चलते उस उतना गति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस बार संगमा ब्लोमा गेंद हवा में, मगर देखना जरूरी। जी हाँ, फील्डर मौजूद थे, 2 रन की मांग की, 2 रन भागना चाहते थे, मगर तिसिदिकु ने मना कर दिया। पुल कर दिया है इस बार भी, जी हाँ 6 रन मिलेंगे। बहुत ही महंगा ओवर इस बार गोलो तातुम का। सत्रह रन आ चुके हैं केवल 5 गेंदों में। तिसिदिकु यहाँ इसी 6 रन के साथ 47 रन पे पहुंच चुके हैं, अब मात्र 3 रन दूर अपना अर्धशतक से। जी हाँ, 1 रन की मांग की है, आसानी से 94 सफल। और इसी इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 7 over has been complete. Score moves on 66 run, loss of 0 wicket. जी हाँ, अच्छी शुरुआत दी यहाँ सलामी बल्लेबाज, दोनों ही सलामी बल्लेबाज तिसिदिकु और संगम लोमा ने। प्रद्युमन आए हैं, पहला ओवर डालेंगे। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे अब तक महंगा साबित जरूर हुआ। रेस्ट्रिक्शंस ओवर का भी पूरा लाभ उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। उतार दिया है, फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन मिलेंगे। खूबसूरत शॉट और इसी 4 रन के साथ तिशी तिकू ने अपना 50 रन पूरा किया। जबरदस्त बैटिंग का नजारा यहाँ तिशी तिकू के बल्ले से। स्ट्राइक रेट भी 200 का लेके चल रहे हैं, 200 के नीचे स्ट्राइक रेट आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कुछ इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरा एंटरटेनमेंट यहाँ टिशी तिकू के बल्ले से। मैं दर्शक को बता दूं, अगर इस मैच को आप जी हाँ सामना करेंगे टिशी तिकू इस बार आसानी से 1 रन चुराने में सफल हुए। प्रद्युमन आए हैं अपना ओवर, पहला ओवर डाल रहे हैं। 5 रन आए अब तक इस तिशी तिकू सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे। 53 रन बना चुके हैं, उनका साथ दे रहे हैं संगम लोमा, 11 रन बना चुके हैं। इस बार बेहतर कनेक्शन डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रन मिलेंगे, माफी चाहूंगा 6 रन मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही बेहतर कनेक्शन हुई इस सॉल्ट्स में, इसी के चलते 6 रन जरूर मिला। इस बार डिजाइन गेंद, वाइड का इशारा, लगता है गेंदबाजी यहाँ दबाव में नजर आए। एक चक्के खाने के बाद संगम लोमा जो कि आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो हल्की सी दबाव में डाले प्रद्युमन को। इस बार भी डिजाइन और एक अतिरिक्त रन और एक वाइड, यहाँ 13 रन अब तक दे चुके हैं प्रद्युमन। लाल आने किंग्स को विकेट चटकाना बहुत ही जरूरी होगा अगर रनों की गति को रोकना है तो, खासतौर पे तिशी तिकू को और संगम लोमा को, जो कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे अब तक क्रीज पे मौजूद। हल्के हाथों से खेला, जी हाँ 1 रन जरूर मिलेंगे। माफी चाहूंगा, हाँ 1 रन भागने की कोशिश की मगर कट कर दिया है। थर्ड मैन मौजूद, 2 रन भागना चाहते थे मगर मना कर दी संगम लोमा ने। उसी के साथ ही 8वां ओवर की भी समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 80 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। और मैं बता दूं, हमारे साथ आज पहला मैच का अंपायरिंग कर रहे हैं कारा रई जी, अनुभव अंपायर अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लगभग 2500 मैच का अंपायरिंग कर चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं तेई कान्या। तेई कान्या भी माफी चाहूँगा, उसका साथ दे रहे हैं ङुरंग ताबिन। अच्छा अंपायरिंग करते हैं दोनों ही अंपायरिंग। ङुरंग ताबिन भी 1500 से ज़्यादा मैचेस का अंपायरिंग कर चुके हैं। कारा रही का बात करूँ तो बहुत ही अनुभव अंपायर, 2500 के आसपास, लगभग 2500 का अंपायरिंग कर चुके हैं। दोनों ही अनुभव अंपायर गलती नहीं करेंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर हैं। अब गेंदबाजी में लेके आए हैं गेंदबाजी के लिए नाबम दोयंग को। इस बार गेंद हवा में देखना जरूरी, मगर फील्डर मौजूद नहीं। नाबम दोयंग ने अच्छी गेंदबाजी की, बल्ले पे उतना संपर्क नहीं जितना होना चाहिए था। बाल बाल यहाँ बच्चे, अगर फील्डर होते तो लपक लेते। नाबम दोयंग अच्छी गेंदबाजी करते हैं। स्वीप करना चाहते थे यहाँ, मगर संपर्क नहीं। लेपरिंग सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलते हैं नाबम दोयंग। बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। और जी हाँ, इस बार भी बेहतरीन अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं, तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं नाबम दोयंग। राइट आर्म लेग ब्रेक है, मगर वो गति है उनके पास, बैट्समैन को बीट कर लेते हैं उस गति से। जी हाँ, यहाँ रिप्ले देखना होगा। जी हाँ, छोटा गेंद और पूरा लाभ उठाया, कवर्स के ऊपर से खेला। अपील यहाँ देखना होगा। और इसी अपील के साथ ओवर की समाप्ति। 9 over has been complete. Score moves on 85 run, loss of 0 wicket. और इसी के साथ ड्रिंक्स का इशारा। दर्शकों, आप बने रहेगा हमारे साथ। कुछ ही मिनटों बाद हम आपसे फिर से लाइव एक्शन जुड़ेंगे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। जी हाँ, स्वागत है फिर से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। मैं बता दूं फिर से आज तीसरा दिन का मैच नंबर 4 पायर टाइटंस और लाल आने किंग्स के बीच खेला जा रहा है। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे संगम लोमा और तेसिति को अब तक क्रीज पे मौजूद, और ये अच्छी संकेत है पंजोर टाइटंस के लिए। गेंदबाजी में फिर से प्रद्युमन जी हाँ आते ही दिशाइन गेंद के साथ, बहुत ही खराब गेंद। इसी तरह की अगर आप डिजाइन गेंदबाजी करेंगे तो रनों की गति को रोकना बहुत ही मुश्किल। संगम लोमा 19 रन बना चुके हैं। जी हाँ, यहाँ फिर से डिजाइन वाइट का इशारा, खराब गेंदबाजी कर रहे हैं प्रद्युमन। चौके और चक्के तो आप दे ही रहे हैं, अगर इसी तरह की डिजाइन गेंदबाजी करेंगे तो पुल किया देखना जरूरी। फील्डर उसके पीछे जबरदस्त अटेम्प्ट यहाँ, मगर लपक नहीं पाए। मगर शानदार फील्डिंग का नज़ारा जरूर एफर्ट यहाँ बहुत ही खूबसूरत। तिची तिकली मौजूद थे वहाँ, जी हाँ पुल करना चाहते थे और संपर्क अच्छा नहीं। जी हाँ, यहाँ देखना होगा बहुत ही जबरदस्त अटेम्प्ट की। इस बार भी बाहर जाती हुई गेंद, केवल दिशा दिखा दी। 4 रन। जी हाँ, जानते हैं तर्द में मौजूद नहीं तो केवल दिशा दिखा दी और पूरा लाभ मिला 4 रन के साथ। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी कमबैक। टिकू यहाँ समझ नहीं पाए। जी हाँ, इस बार शॉट खेलना चाहते थे मगर सीधा पिलर के हाथों, कोई रन नहीं। दर्शकों में बता दूं, पंजोर टाइटंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला की और अच्छी शुरुआत अब तक दी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब तक क्रीज पे मौजूद। जी हाँ, इस बार भी पुल किया। इस बार जी हाँ पंबल्स के चलते यहाँ 2 रन चुराने में कामयाब हुए। बहुत ही चतुर, जितना ही अच्छी बल्लेबाज करते हैं तेसिति को उतना ही चतुर, मौका नहीं देते। मौका मिलते हैं तो पूरा लाभ उठाते हैं। कट किया है इस बार भी, फील्डर उसके पीछे यहाँ कप्तान आबू जी हाँ आसानी से रोकने में सफल हुए। 2 रन जरूर मिलेंगे। और इसी दो रन के साथ 10वां ओवर की भी समाप्ति। 10 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 96 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। जितना ही खूबसूरत ये ग्राउंड और उतना ही खूबसूरत मैच पहला इनिंग पंजाब टाइटंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला की और अब तक अच्छी शुरुआत के साथ दोनों ही सलामी बल्लेबाज ने स्टार्ट दी और अब यहाँ से देखना होगा आगे किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। अब स्ट्राइक विशांग मामलोमा। जी हाँ, उठाया गेंद हवा में, देखना होगा फील्डर मौजूद नहीं। यहाँ फिर से खराब फील्डिंग के चलते 2 रन मिले। बार बार गेंद हवा में जरूर मगर फील्डर मौजूद नहीं थे। पुल किया है मिड विकेट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग यहाँ मगर 2 रन जरूर मिलेंगे। खूबसूरत एफर्ट यहाँ। ओ यहाँ टीसीटी को इस बार भी उतार दिया है गेंद हवा में, फिर से फील्डर मौजूद नहीं। कनेक्शन यहाँ अच्छा नहीं संगम लोमा के बल्ले में। गेंद को बार बार हवा में उछाला जरूर जा रहा है मगर फील्डर तैनात नहीं। फील्डर ये सब कैचेस को मौका लपकना हो, मौका बनाना होगा। जी हाँ, मैं कह रहा था इन सब कैचेस को अगर आप मौका बना के कैचेस बना के लपकेंगे तो मैच बना पाएंगे। कट क्या है यहाँ। जी हाँ, 9 रन की मांग और कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक नवम दोयन। पुल कर दिया है इस बार आउटफील्ड का। स्लो फील्डर उसके पीछे जरूर, देखना जरूरी यहाँ। जी हाँ, 2 रन मिलेंगे। रिप्ले देखना होगा। आउटफील्ड काफी स्लो के चलते यहाँ और मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग। कावा आए हैं गेंदबाजी करने। नवम कावा आए हैं गेंदबाजी करने। साइन गेंद वाइड का इशारा। नवम कामा बल्लों का इस्तेमाल मगर फील्डर मौजूद। इस बार भी 2 रन चुराने में कामयाब हुए नवम कामा। जो मैं कह रहा था अंडर 23 सीके नायडू जैसे टूर्नामेंट खेल चुके हैं, इस सीजन का कप्तान रहा अंडर 23 के। बेहतरीन खिलाड़ी है नवम कामा। ईश्वर सीधा अच्छी फील्डिंग, जी हाँ जोरदार बल्ला चलाया मगर स्वीप लगा दिया है। जी हाँ 1 रन जरूर चुराने में कामयाब हुए। इस बार गेंद हवा में फिर से, जी हाँ तिची तिकली से इस तरह की उम्मीदें नहीं करते, बहुत ही यहाँ नाखुश होंगे। नवम कामा को पहला विकेट मिलता है यहाँ मगर बाल बचे। संगम लोमा को ये दूसरा जीवन दान। जी हाँ जर्सी नंबर 7 है तिची तिकली से हम इस तरह की फील्डिंग से उम्मीद नहीं करते और कट करना चाहते थे मगर इसके साथ ही, जी हाँ आप रिप्ले देख सकते हैं, फिर से कनेक्शन बेहतर नहीं संगम लोमा के बल्ले में। गेंद हवा में बहुत देर के लिए जरूर दे, कैच का मौका भी बना मगर तिची तिकली लपक नहीं पाए। जी हाँ हमारे हैंडसम हंक ऑडियंस इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ 12 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। नवम दोयंगा डालेंगे अपना तीसरा ओवर फिर से। इस बार कैच की मांग की मगर पहुंच नहीं पाए। नवम कामा मौजूद थे मगर गेंद तक पहुंच नहीं पाए। बाल बचे। गेंद कैरी करते तो यहाँ विकेट मिल जाता। इस बार भी गेंद हवा में, इस बार भी कैच की मांग मगर यहाँ कैचेस का मौका बना जरूर रहे हैं गेंदबाज नवम दोयंग मगर फील्डर्स गेंद तक रीच नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्राइक पे तिशी टीकू इस बार भी स्वीप लगाना चाहते थे। खराब फील्डिंग का नजारा फिर से। दो रन भी चुराने में कामयाब हुए। फील्डिंग्स को सुधारना बहुत ही जरूरी। लालन है किंग्स को इस तरह की फील्डिंग्स करेंगे तो बहुत ही रन लीक हो जाएंगे। शॉट खेला है, एक रन चुराएंगे। जी हाँ, तीसी टिको की बल्लेबाजी। आप सीधा मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप के बीचों बीच कर रहे हैं, रूम बनाना चाहते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, मगर इस बार नामुमकिन मौजूद, गलती नहीं करेंगे। आसानी से एक रन चुराए। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, मगर इस बार भी उतना अच्छा संपर्क नहीं। नाबम दोहेंग अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आसान नहीं उनके गेंद में चौके चक्के लगाना। हमने बहुत बार देखा है नाबम दोहेंग को गेंदबाजी करते हुए। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट तादोकोली जैसे टूर्नामेंट ने बेहतरीन गेंदबाजी की है अब तक। जी हाँ, after the completion of 13 over, score moves on 119 run, lost of 0 wicket. now हम कहाँ आए हैं, फिर से गेंदबाजी करने। ओ, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ फिर से खराब फील्डिंग का नजारा। बार बार रन लीक हो रहे हैं खराब फील्डिंग के चलते। हाँ, रिप्ले देखना बहुत रोमांचक होगा। देखा जी हाँ, टर्न मिला गेंद को। जी हाँ, विकेट से टकराते हुए बाल बाल बचे। जी हाँ, 4 रन मिलेंगे इस बार भी। स्वीप लगाया यहाँ, अच्छी फील्डिंग। यहाँ कप्तान कुदन आबम मौजूद थे, गलती नहीं करते। जी हाँ, देखिए खूबसूरत फील्डिंग का नज़ारा। इसी तरह की फील्डिंग की उम्मीद करेंगे नाबम आबम से। एक्सपीरियंस की कमी नहीं है उनके पास, नाबुंगामा के पास भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं। इस बार के अंदर 23 के कप्तान भी रह चुके हैं डोमेस्टिक सीजन। अच्छी गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं नाबुंगामा, उतनी ही सुंदर बल्लेबाजी करते हैं। सेकेंड इनिंग में हम देखेंगे नाबुंगामा की बल्लेबाजी। स्लोक स्वीप कर दिया है, चेरन यहाँ लंबा क्लियरेंस, लंबा शॉट। जी हाँ, संगम लोमा के रिटायर्ड हार्ट के बाद आए हैं गौतम। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे संगम लोमा, मगर रिटायर हार्ट के चलते लौटना पड़ा, तो उनके स्थान में आए गौतम। आते ही पहला बॉल, दूसरा बॉल में ही चक्के लगाने में कामयाब हुए। सलामी बल्लेबाजी के रूप में तिशीति को आए थे, अब 80 रन बना चुके हैं। कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद है। जी हाँ, नाबुंग कामा ने अच्छी कमबैक की और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। After the completion of 14 over, score moves on 132 run, loss of 0 wicket. तीसरा दिन का चौथा मैच, मैच नंबर 4, पंजर टाइटंस और लाल आने किंग्स के बीच। मैं बता दूं फिर से, पंजर टाइटंस ने तो जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला की और उतना अच्छा स्टार्ट और अच्छा शुरुआत के साथ इसी तीकू और संगम लोमा ने बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज के रूप में तिशीति जो कि आए थे अब तक क्रीज पे मौजूद हैं। नाबम दोयंग आए हैं फिर से, अपना आखिरी ओवर डालेंगे। पुल किया है, पिलर मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे। तिशीति यहाँ अपना बल्ला खामोश नहीं रख रहे, बार बार चौके और चक्के के साथ बेहतरीन शॉट। जी हाँ, रिप्ले आप देख सकते हैं, खूबसूरत शॉट, स्वीप कर दिया है। इस बार भी उसी दिशा में, इस बार 6 रन मिलेंगे। बेहतरीन शॉट और इसी 6 रन के साथ इसी तिको का निजी स्कोर 90 रन मात्रा, अब 10 रन से दूर अपना सेंचुरीज के लिए। जी हाँ, इस बार 1 रन निकालने में कामयाब हुए। तो सिटीकू 91 रन पे पहुंच गए। स्ट्राइक रेट लगभग 199 के 200 के आसपास स्ट्राइक रेट में बल्लेबाजी करते हैं तिशीतिकू। हल्की सी अपील जरूर, T20 से फॉर्मेट में तिशीति को ओपनिंग बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और अच्छी बल्ले ओपनिंग करते हैं। कट करना चाहते हैं थे, आसानी से 1 रन मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं कह रहा था तिशीति को T20 जैसे फॉर्मेट में ओपनिंग खेलना पसंद करते हैं और अच्छा स्टार्ट देते हैं अपने टीम को। और अगर ओडीआई में अगर देखें तो तिशीति को आप फर्स्ट डाउन सेकेंड डाउन में देखेंगे। जी हाँ, इस बार बैकफुट पे जाके कट किया, 1 रन मिलेंगे। और इसी 1 रन के साथ ही ओवर की भी समाप्ति। 15 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 145 बिना किसी विकेट के नुकसान। कल दोपहर मैच में हमने देखा तनी हंटर्स वर्सेस पपुम रॉयल के बीच मैच खेले गए थे। तनी हंटर्स ने अपना पहला ही मैच में पहला जीत प्राप्त की टीम कप्तान नावम भीतू जो कि बेहतर प्रदर्शन की 3 विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए और मैन ऑफ द मैच भी बने। और मैं फिर से बता दूं दर्शकों, इस मैच को आप घर बैठे बैठे लाइव पवेलियन टीवी पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। पंजा टाइटंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सही फैसला अब तक सलामी बल्लेबाजी के रूप में। और ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत नज़ारा है एबी क्रिकेट ग्राउंड का। जितना ही खूबसूरत ये ग्राउंड उतना ही खूबसूरत मैचेस। और आप देख सकते हैं यहाँ ऋषि तिकू जो कि सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे अब तक क्रीज पे मौजूद। और ये बहुत ही बड़ा खतरा लाल आने किंग्स के लिए। नाबुम गांव आए हैं अपना, फिर से तीसरा ओवर डालेंगे, सामना करेंगे तीसरी को, पुल कर दिया है, खराब गेंद और सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अब ऋषि तिकू को मात्र 4 रन चाहिए। अगर ये 4 रन बना देंगे तो पहला बल्लेबाजी बनेंगे इस टूर्नामेंट का जिन्होंने सेंचुरी लगाए। यह कट किया है 1 रन के लिए। समझदारी के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए ऋषि तिकू अब मात्र 3 रन दूर है। ऋषि तिकू पहला बैट्समैन बनेंगे जो 68 माफी चाहूंगा सेंचुरी लगा सकते हैं। बैकफुट पे जाके पंच किया, कट किया और ये मिस फील्ड के चलते 4 रन मिलेंगे। नावम ताही मौजूद जरूर थे, रोकने का पूरा प्रयास किया मगर सफल नहीं। ओह, इस बार नावम खामा बहुत ही खराब गेंद। यहाँ नावम खामा हल्की सी दबाव में नजर आते हुए, जी हाँ, नो बॉल प्री हिट का इशारा। देखना होगा कितना लाभ उठा पाते हैं ऋषि तिकू और ये उनके पास सुनहरा मौका सेंचुरी बनाने का, यहाँ लाभ नहीं उठा पाए और मगर 1 रन जरूर मिलेंगे। देखना होगा गेंद हवा में, जरूर कैच का भी मौका बना मगर बहुत ही खराब फील्डिंग। बार बार यहाँ खराब फील्डिंग का नजारा लाल आने किंग्स की टीम कप्तान नावम अब वो बहुत ही नाखुश होंगे अपने फील्डर से। अगर शुरुआत से हमने देखा तो ऋषि तिकू को भी कैचेस चोरा, इसी के चलते महंगा साबित हुआ। 98 रन बना चुके हैं। अगर लपक लेते तो ऋषि तिकू पवेलियन लौट जाते। और इस बार बेहतरीन शॉट, बेहतर कनेक्शन के साथ लंबा शॉट, यहां 6 रन मिलेंगे। देख सकते हैं खूबसूरत शॉट, यहाँ पूरा फायदा उठाया गौतम ने। गेंद इतनी खराब नहीं मगर उतनी खूबसूरत बैटिंग है और उसी 6 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। 16 over has been complete. Score moves on 169 run. Loss of 0 wicket. ये एक अच्छी बात यहाँ अब तक विकेट नहीं गवाया। हालांकि सलामी बल्लेबाजी के रूप में संगम लोमा आए थे, रिटायर हद के चलते उनको लौटना पड़ा। किसी को यहाँ ड्राइव करना चाहते थे, तिशी को जानते हैं 100 रन बनाना चाहते हैं, अपना सेंचुरी लगाना चाहते हैं 1-2 रन के साथ, सिंगल्स डबल के साथ, जो क्यों नहीं लेना चाहते कि मात्र 2 रन से दूर है अपना सेंचुरीज के लिए। इस बार भी ड्राइव लगाना चाहते थे मगर सीधा पिलर के हाथों। अब तक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखा हमने तिश्तिकु के बल्ले से। इस बार लोगों के दिशा पर शॉट पिल्डर तैनात नावों का वहाँ जर्सी नंबर 17 के साथ 1 रन चुराए। अब मात्र 1 रन दूर तिश्ती को। जी हाँ, मैं बता दूं तिश्ती को 22 कैप्टन रह चुके हैं अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के रणजी टीम के। अच्छा डोमेस्टिक सीजन भी गुजरा तिश्तिकु के और उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में भी। खराब गेंद, डिसाइन वाइड का इशारा, गौतम बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रामक अंदाज में अब तक दिखे। 220 का स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इस बार कवर्स के ऊपर से, जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे। खूबसूरत शॉट ये गौतम की ओर से। जी हाँ, आप रिप्ले देख सकते हैं, खूबसूरत शॉट यहाँ। इस बार गेंद हवा में, विकेट कीपर के पीछे से 4 रन निकल जाएंगे। यहाँ पुल करना चाहते थे मगर टॉपेज लगा और विकेट कीपर के पीछे से 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही खराब गेंदबाजी की अब तक प्रद्युमन। इस बार गौतम ने सोचा शायद ये वाइड होंगे मगर और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति। तिश्तिकु जो कि 99 रन पे पहुंच गए, अब मात्र 1 रन दूर। इस बार अरुणाचल सीनियर टीम्स के रणजी के 22 कैप्टन भी रह चुके हैं तिश्तिकु। अच्छा सीजन भी गया तिश्तिकु का और यहाँ आज हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मात्र 1 रन दूर अब काम आए हैं। फिर से गेंदबाजी करने आखिरी ओवर डालेंगे। जी हाँ, इसी 1 रन के साथ अपना सेंचुरी पूरा किया तीसी टिकू ने और ये पहला बैट्समैन जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना सेंचुरी बनाया। बहुत ही खुश होंगे अपने आप से और उनके टीम मेंबर से। कप्तान ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छी पारी खेला। खूबसूरत यहाँ बैटिंग का नज़ारा दिखाया तीसी टिकू ने, 100 रन बनाए। मैंने पहले ही कहा था एक बेहतरीन खिलाड़ी है तीसी टिकू। इस बार उतार दिया है, स्लोक स्वीप लगाया, 6 रन मिलेंगे। गौतम का बल्ला खामोश नहीं यहाँ। गौतम और तीसी टिकू यहाँ लगातार दबाव में डालते हुए गेंदबाजी के ऊपर। जी हाँ, मैं तीसी टिकू की बात कर रहा था, जो कि जिन्होंने पहला सेंचुरी बनाया इस टूर्नामेंट का। खूबसूरत बैटिंग की तीसी टिकू ने। फिर से, मगर इस बार उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। मात्र 1 रन मिलेंगे। अब स्ट्राइक पे मैन इन फॉर्म तीसी टिकू, केवल 60 गेंदों में बनाए अपना 100 रन। और इसी के साथ पहला 100 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने इस टूर्नामेंट का। जी हाँ, 1 रन मिलेंगे। गौतम कुमार के बल्लेबाजी में नजर डाले तो लंबे लंबे चक्के लगाते हैं। गेंदबाजी के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखते हैं गौतम। इस बार टर्नमैन मौजूद नहीं, 4 रन मिल जाएंगे। और इसी 4 रन के साथ गौतम कुमार का भी अपना निजी स्कोर 42 रन, केवल 15 गेंदों में। सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजी भी बन सकते हैं इस टूर्नामेंट का। मात्र 8 रन दूर। कल तीसी टिकू ने पहला मैच में बहुत ही स्ट्रगल की अपने बल्लेबाजी में, मगर आज बेहतरीन प्रदर्शन उनके बल्लेबाजी से। जी हाँ, इस बार देखना होगा फील्डर मौजूद। इस बार जी हाँ, कैच मुश्किल जरूर था, मगर ये कैच हो सकता था। 6 रन मिलेंगे। इसी 6 रन के साथ गौतम कुमार का 48 रन। अब रिप्ले देखिए, बहुत ही ऊंचा गेंद। जी हाँ, कैच हो सकता था ये। हमारा ऑफिशियल्स पूरा एंटरटेनमेंट। दर्शकों, आप इस मैच को मजा ले सकते हैं घर बैठे बैठे। पवेलियन टीवी पे, यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल होंगे। जितना ही खूबसूरत ये ग्राउंड हो, उतना ही खूबसूरत मैच आज का। यहाँ 18 ओवर समाप्ति के बाद 198 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे सिद्दीकी को सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे, अब भी क्रीज पे मौजूद। जी हाँ, पॉइंट की दिशा में एक रन जरूर चुराने में कामयाब हुए। नाबुम अब वो आए हैं, अपना आखिरी ओवर डालेंगे। टीम के कप्तान गौतम कुमार अब स्ट्राइक में 48 रन पे पहुंच चुके हैं, मात्र 2 रन दूर। 16 गेंदों में क्या गौतम कुमार बनेंगे फास्टेस्ट और शतक लगा पाएंगे, ये देखना बहुत ही जरूरी। ना वो तू गौतम कुमार इस बार, जी हाँ, बेहतरीन करेक्शन, सीमा रेखा के बाहर 6 रन मिलेंगे। और इसी इसी 6 रन के साथ गौतम कुमार बने फास्टेस्ट अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज। केवल 17 गेंदों में 54 रन बनाए गौतम कुमार ने। आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता हुआ टीसीटी को भी बना पहला सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज। वाह, इस बार जी हाँ बल्ला चूता। दो 205 रन टीम का स्कोर। गौतम कुमार यादव 250 स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, वाह, इस बार डिसाइन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। ये बैकफुट पे जाके पंच करना चाहा मगर 1 रन जरूर मिलेंगे। मोटा एज लगा और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। अब स्ट्राइक में टीसीटी को बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किए टीसीटी को ने। पंजाब टाइटंस और लालानी किंग्स के बीच पहला मैच आज दिन का। जी हाँ, यहाँ गेंद में उतना गति नहीं, शायद ही क्लियर कर जाएंगे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को। ये मैं कहूँगा गलत सोच, मगर उतनी ही अच्छी चतुराई के साथ गेंदबाजी की। जानते थे बैट्समैन उस शॉट के लिए तैयार थे तो गति को धीमा कर दी नाबू आबू ने। स्लोअर गेंद फिर से चकमा देने में कामयाब हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 19वां ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 207 बिना किसी विकेट के नुकसान। यहाँ 200 रन के आंकड़ा भी छू गए और एक भी विकेट नहीं गवाए पान्योर टाइटंस। ये एक अच्छी है क्रिकेट या पान्योर टाइटंस ने दिखाया। अब साइड पे गौतम जबरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी की। अब तक आखिरी ओवर पहला इनिंग का मनीष आए हैं, अपना आखिरी ओवर डालेंगे। क्रॉस जाकर शॉट खेलना चाहते थे, 2 रन की मांग। यहाँ तीसी थी को 2 रन की मांग की, मगर 1 रन से संतोष। ये आखिरी ओवर है, मैं बता दूं, पहला इनिंग का 208 रन बना चुके हैं पान्योर टाइटंस। खूबसूरत गेंदबाजी। सीधा बल्ला से खेला है, फील्डर तैनात। मात्र 1 रन मिलेंगे। दोनों ही बल्लेबाज चौके और चक्के के तलाश में। ओह, ऐसा हल्की सी अपील, मगर कोई इशारा नहीं। अच्छी गेंदबाजी की कर रहे हैं अब तक मनीष। चौके और चक्के रोकने में सफल हुए दोनों ही बल्लेबाज। बाउंड्रीज की तलाश जरूर कर रहे हैं, मगर उतना ही अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ मनीष खामोश रख रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजी के बल्ले को। इस बार भी जी हाँ, फिर से उसी दिशा पर खेलना चाहते थे। इस बार भी 2 गेंद, अच्छी गेंद। यहाँ जानते हैं गौतम भी, ये आखिरी ओवर है पहला इनिंग का, पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, मगर बेहतरीन, उतना ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष। रन रोकने में सफल हुए। इस बार कट कर दिया है। डीप पॉइंट पे फील्डर तैनात। 2 रन चुराने में कामयाब हुए। और अब ये आखिरी गेंद पहला इनिंग का सामना करेंगे गौतम। मनीष तो गौतम। हाँ, पुल किया है, मगर फील्डर तैनात इसी तिकली मौजूद। जी हाँ, इसी 1 रन के साथ पहला इनिंग की समाप्ति। पान्योर टाइटंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 212 रन बनाया। लाल आने किंग्स को इस मैच को जीतना है तो 213 रन बनाना होगा 120 बॉल्स में। अब कुछ ही मिनटों बाद हम दूसरा इनिंग्स को शुरू करेंगे। तो दर्शकों, आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। कुछ ही मिनटों बाद हम वापस आएंगे। धन्यवाद। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन कहाँ क्यों कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोबो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोबो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड। तिची तिकली तली राधे नाबम ताही नाबम दोयंग यादव। तो अब मैच में सुमन गातराज जी हाँ। और यहाँ पहला ही गेंद डिसाइन, इस बार कवर के दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद नहीं इस बार। जी हाँ, पॉइंट के दिशा में खेल दिया है, फील्डर के बीचों बीच। पुलटोस गेंद, इस बार भी कवर्स के दिशा में, फील्डर के बीच। इस बार भी फील्डर के बीचों बीच, ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार भी, मगर इस बार उतार दिया है। जी हाँ, फील्डर के ऊपर से यहाँ इस बार। जी हाँ, समय मिला, इस बार भी पुल कर दिया है। पुल कर दिया है इस बार भी, उतार दिया है, फील्डर मौजूद नहीं। 4 इस बार बेहतर कनेक्शन। इस बार भी बाहर जाती हुई गेंद, केवल बाल बचे। स्लॉक शॉट कर दिया है। नाबम दोयंग आए हैं फिर से, अपना आखिरी ओवर डालेंगे। पुल किया है, पिलर मौजूद नहीं है, खूबसूरत शॉट। स्वीप कर दिया है इस बार भी उसी दिशा में। नाबम का आए हैं, अपना फिर से तीसरा ओवर डालेंगे, सामना करेंगे तीसरी को। पुल कर दिया है, माफी चाहूंगा, सेंचुरी लगा सकते हैं। बैकफुट पे जाके देखना होगा, गेंद हवा में जरूर, कैच का भी मौका। और इस बार बेहतरीन शॉट, बेहतर कनेक्शन के साथ। इस बार कवर्स के ऊपर से, इस बार गेंद हवा में, विकेट कीपर के पीछे से 4 रन। इस बार उतार दिया है, स्लॉक स्वीप लगाया। इस बार टर्नमैन मौजूद नहीं गेंदबाजी से। जी हाँ, इस बार देखना होगा, फील्डर मौजूद। इस बार जी हाँ, बेहतरीन कनेक्शन। जी हाँ, वाह, जितना ही खूबसूरत ये ग्राउंड का नज़ारा उतना ही खूबसूरत मैच। यहाँ पहला इनिंग में हमने देखा खूबसूरत बल्लेबाजी का नज़ारा। पान्योर टाइटंस जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला की और 212 रन बनाए। लाल आने किंग्स के लिए टारगेट रहेगा 213 का इस मैच को जीतने के लिए 120 बॉल्स में। मैं बता दूं ये खूबसूरत एबी ग्राउंड दोईमुख में मौजूद है, आप इस मैच को देखने के लिए आ सकते हैं और इस मैच को आप लाइव पवेलियन टीवी पे भी आनंद उठा सकते हैं। घर बैठे बैठे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल होंगे। तो लाला ने किंग्स को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए और 213 रन्स। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे लाला ने किंग्स। पहला इनिंग में हमने देखा तीसी तिकू के बल्ले से जबरदस्त चौके और चक्के खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की। टीम कप्तान खुद सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे तीसी तिकू और पहला बल्लेबाजी बने इस टूर्नामेंट का सेंचुरी लगाने वाले बैट्समैन। जी हाँ, सलामी बल्लेबाजी के रूप में नावम कामा और नावम तही मैदान पे प्रवेश कर चुके हैं। नावम कामा की जिनके बारे में हम बात करें तो इस बार डोमेस्टिक सीजन के अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर 23 के कप्तान रह चुके हैं। बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, उतना ही सुंदर बल्लेबाजी करते हैं। आज देखना जरूरी किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे नावम कामा। बहुत ही उम्मीद है उनको लालाने के टीम कप्तान नावम आबो बहुत ही उम्मीदें करेंगे नावम कामा से। 213 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 120 बॉल्स में। जी हाँ, मैं कह रहा था सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए हैं नावम कामा। स्ट्राइक लेंगे और उनका साथ देने आए हैं नावम ताही। नॉन स्ट्राइक एंड पे गेंदबाजी करेंगे ताना जेम्स तरह भी अंडर 19 कोच बिहार जैसे टूर्नामेंट खेल चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब ताना जेम्स तरातु नावम कामा। जी हाँ, स्विंग मिला। अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मैं कह रहा था ताना जेम्स तरा युवा खिलाड़ी है। और उसी के साथ 1 रन मिला। लाला ने किंग्स के स्कोर 213। अब स्ट्राइक पे आए हैं नावम तेही। लेपरिंग सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट में तदोगोली टूर्नामेंट जैसे पापुमपारे टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। गेंदबाजी में फिर से ताना जेम्स तारा अपना दूसरा गेंद डालेंगे। जी हाँ, खूबसूरत कैच। यहाँ ड्राइव लगाना चाहते थे मगर एज लगा और सीधा स्लिप के हाथों। अच्छी फील्डिंग यहाँ। और ये पहला विकेट पंजर टाइटंस के नाम। नवम ताही को लौटना होगा बिना खटा खोले। जी हाँ, डिसीजन नहीं देने से पहले तब अंपायर ठीक से रिव्यू चेक रिव्यूज में चेक करेंगे क्या ये कैच कैरी की और ठीक तरह से लपका कि नहीं। जबरदस्त चेकिंग रिव्यू चेक करेंगे यहाँ गेंद कैरी की नहीं। यहाँ यहाँ अंपायर की ओर से आउट का इशारा। जबरदस्त कैच लपका यहाँ स्लिप पे तैनात थे कुमार निशांत रेलवे के तरफ से। खेलते हैं अच्छी फील्डिंग और उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। बिना काता को ले लौटना होगा नावम तेही को। पहला झटका ये लाला ने किंग्स को। ताना जेम्स ने दिलाया पहला विकेट। ताना जेम्स को भी मिला। मैंने पहले ही कहा अंडर 19 कोच बिहार जैसे डोमेस्टिक हाल ही में खेल के आए हैं। हमने देखा मेघालय की अगेंस्ट में काफ़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, काफ़ी सारे विकेटें निकाले थे। ताना जेम्स तारा ने तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, स्विंग अच्छा स्विंग प्राप्त करते हैं अपनी गेंदबाजी में। जी हाँ, अच्छी गेंद यहाँ लीप कर दिया है। नावम जैस आए हैं आप स्ट्राइक पे। ये युवा खिलाड़ी नावम जेम्स माफी चाहूँगा नावम जेस। पहला विकेट खोने के बाद नावम जेस आए हैं। जी हाँ, डिसाइन गेंद वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर 2 रन। लंबा टारगेट है यहाँ लाल आने किंग्स के लिए। रन रेट रिक्वायर्ड 10 का प्रति ओवर में। इस बार जोरदार अपील मगर कोई इशारा नहीं। खूबसूरत गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं ताना जेम्स तारा। नए गेंद के साथ स्विंग प्राप्त करते हैं। मैं कह रहा था ताना जेम्स तारा मेघालय के अगेंस्ट में अच्छी गेंदबाजी की थी, बहुत ही सारे विकेट चटकाए थे। जी हाँ, यहाँ लेग स्टंप मिसिंग जरूर होंगे। अच्छी अंपायरिंग, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है हमारे अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन तादोकोरी जैसे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। जी हाँ, डिसाइन और शानदार विकेट कीपिंग तेची सोनम। खूबसूरत विकेट कीपिंग का नजारा। चिसो नम भी खाली में रणजी टूर्नामेंट खेल के आए हैं, बेहतरीन लपका यहाँ, अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं और उतनी अच्छी बैटिंग आज मौका नहीं मिला। इस बार ड्राइव करना चाहते थे मगर सीधा पिशीटिको के हाथों। और ये लगातार दूसरा विकेट चटकाए तना जेम्स तारा ने। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मैंने पहले ही कहा मेघालय की अगेंस्ट में कोच बिहार जैसे ट्रॉफी में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और आज यहाँ हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में अपना खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, ये देखिए जरा खूबसूरत गेंदबाजी। ड्राइव लगाना चाहते थे नाबम जेम्स मगर मोटा एज लगा और सीधा तिशी टिकू के हाथों। कप्तान तिशी टिकू गलती नहीं करते, जितने ही सुंदर बैटिंग करते हैं उतनी ही अच्छी फील्डिंग भी। ये देखिए कोई गलती नहीं की। पहला ही ओवर में पहला इनिंग का दूसरा इनिंग का 2 विकेट गवा गए थे। तिची तिकली आए हैं आप बल्लेबाजी करने, इस बल्लेबाजी के पास वो क्षमता है जो मैच को पलट सकते हैं। लंबे लंबे चौके और चक्के लगा सकते हैं ये बल्लेबाज। जी हाँ, इसी के साथ ही पहला ओवर की समाप्ति। 1 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर 3 रन लॉस्ट ऑफ, माफी चाहूंगा 5 रन लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। जी हाँ, मैं बता दूं इस मैच को लाल-आने किंग्स को जीतने के लिए चाहिए अब 208 रन in 114 balls। इस मैच को आप घर बैठे बैठे भी लाइव पवेलियन टीवी पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे, घर बैठे बैठे आनंद उठा सकते हैं। अब नाबम इंडिया आए हैं गेंदबाजी करने, सामना करेंगे नाबम कामा। इस बार भी पॉइंट की दिशा पर कैच का मौका बना, या अब दो दुम तहनाते मगर या बाल बाल बच्चे नाबम कामा। ये पहला जीवनदान मिलेगा नाबम कामा को। नाबम कामा को आप इस तरह के कैचेस नहीं छोड़ सकते। ये खिलाड़ी को अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो मैचेस नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ, कवर से दिशा पर गैप तलाश नहीं पाए नाबम कामा। सीधा पिलर मौजूद, कोई रन नहीं। ये देखिए सारा आसानी से कैच का मौका बना, यहाँ खराब फील्डिंग या दो दुम। जी हाँ, यहाँ डिसाइन गेंद वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। यहाँ 2 विकेट गवा चुके हैं लाल-आने किंग्स, नाबम कामा और तेली राधे को। यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी होगा। विकेट गंवाएंगे तो मुश्किल में जी हाँ, ये बैकफुट पे जाके पंच करना चाहा मगर गेंद धीमा गेंद के कारण यहाँ वो एलिवेशन नहीं मिला। नवम कामा को समय लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्रीज पे टिका रहना होगा। इस बार भी मगर इस बार टर्मिन की दिशा में बिल्डर तैनात, एक रन मिलेंगे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नवम इंडिया, अब तक 4 गेंद डाल चुके हैं मगर बेहतरीन गेंदबाजी की काफ़ी काबिलियत तारीफ स्विंग प्राप्त करते हैं ये नवम इंडिया। नए गेंद के साथ विकेट चटकाते हैं। इस वक्त हवा के साथ स्विंग प्राप्त करने में गेंदबाजी को छोटा मगर बेहतर गेंद इस बार तली राधे। हाँ, बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे मगर बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं। इसी के साथ ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी स्विंग प्राप्त करने में कामयाब हुए, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजी को हाथ खोलने का। उसके साथ ही दूसरा ओवर की भी समाप्ति। After the completion of 2 overs, score moves on 7 runs lost of 2 wickets. जी हाँ, इस बार फिर से तारा जेम्स तरह आए हैं अपना दूसरा ओवर लेके और पहला ही गेंद में डिसाइन गेंद, वाइड का इशारा। नाबम कामा की अगर हम बल्लेबाजी में एक नज़र डालें तो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहा मगर अच्छी गेंद कहूँगा ताना जेम्स, कोई मौका नहीं देना चाहते बल्लेबाजी को हाथ खोलने का, वो रूम नहीं दे रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी नाबम कामा की बल्लेबाजी में हम बात करें तो तकनीकी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, तकनीक में ज़्यादा भरोसा करते हैं, गेप में खेलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये डिसाइन गेंद फिर से नाबम कामा के बारे हमें बात कर रहे थे, ये बल्लेबाज ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, ज़्यादा रिस्की शॉट में भरोसा नहीं करते, तकनीकी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। तकनीक में ज़्यादा ध्यान देते हैं ये नाबम कामा। इस बार जी हाँ, कोई फील्डर नहीं, टर्मिन दिशा में आसानी से 1 रन चुरा लेंगे। तली रदे स्ट्राइक पे आए हैं। हाल ही में CK नायडू जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल के आए हैं, अंडर 23 में खेलते हैं अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। ये खिलाड़ी भी जबरदस्त है। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था यहाँ स्क्वायर लेग के दिशा में सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे। अच्छा यहाँ केवल दिशा दिखा दी, गेंद पर के बाहर गई और यह केवल दिशा दिखा दी और स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन प्राप्त किए और इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर 14 रन। दिल्ली राधे और तना जेम्स तारा इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत खूबसूरत गेंद कहूँगा। ये दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज एक दूसरे को अच्छे तरह से जानते हैं, तो देखना होगा दोनों किस तरह की, तना जेम्स किस तरह की गेंदबाजी करेंगे और दिल्ली राधे किस तरह की बल्लेबाजी। यहाँ जी हाँ, इस बार गली की दिशा में पिल्लर तैनात यहाँ, स्विंग पे कंट्रोल नहीं कर पाए, दिशा इन गेंद यहाँ फिर से वाइड का इशारा। तना जेम्स तारा जिन्होंने पहला ही ओवर में 2 विकेट चटकाए, स्विंग पे कंट्रोल नहीं कर पाए। टीम के कप्तान ऋषि टिकू को तना जेम्स तारा से काफ़ी उम्मीदें होंगे। जी हाँ, खूबसूरत ड्राइव है, हाँ मगर अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग का नज़ारा। पहले ही कहा था, जितने ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ऋषि टिकू, उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग भी। ये देखिए जरा, खूबसूरत तरीका से रोका। ऋषि टिकू जिन्होंने पहला सेंचुरी बनाया इस टूर्नामेंट का, पहला बल्लेबाज, पहला बैट्समैन बना हॉर्नबिल T20 का। सेंचुरीज बनाने वाले बल्लेबाज में से सबसे पहला नाम ऋषि टिकू का। 3 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मोशन 15 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। नावम इंडिया फिर से बैकफुट पे जाके खेला है, 1 रन की मांग की, मगर यहाँ शायद तैयार नहीं थे दिल्ली राधे, इसी के चलते कोई रन नहीं। नावम इंडिया की गेंदबाजी में हमने देखा, पहला ओवर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, मात्र 2 रन दी। कदमों का इस्तेमाल इस बार, जी हाँ, फील्डर्स के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाते हुए चार रन मिलेंगे। ये अच्छा शॉट, जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस ओवर चल रहा है तो पूरा लाभ उठाना चाहते हैं नाबम कामा। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर 19 रन। इस बार भी नाबम कामा बल्ला चला रहे हैं बार बार, मगर बल्ले और गेंद में उतना अच्छा संपर्क नहीं। नाबम इंडिया जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अब सामना करेंगे दिल्ली राधे। ये खूबसूरत गेंद, ड्राइव लगाना चाहते थे दिल्ली राधे, मगर बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी, इसी तरह की गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाए रख पाएंगे। जी हाँ, रनअप में यहाँ मिस रनअप के चलते हैं। मैं बता दूं, पंजर टाइटन्स वर्सेस लाल अने किंग के बीच मैच नंबर 4 तीसरा दिन का पहला मैच खेला जा रहा है। इस बार कदमों के इस्तेमाल के साथ फील्डर्स के ऊपर से खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे। तली राधे भी जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस ओवर चल रहा है तो पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। जी हाँ, खूबसूरत होती है कदमों का इस्तेमाल की वो रूम मिला जो तली राधे तलाश रहे थे और 4 रन मिलेंगे। इस बार भी उसी दिशा में गेंद को भेजना चाहते थे मगर बल्ले पे संपर्क नहीं, और इसी के चलते छोटा ओवर की भी समाप्ति। 4 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 24 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। अब गेंदबाजी करने आए हैं गौतम, जिन्होंने पहला इनिंग में जबरदस्त बल्लेबाजी की। अब देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे नावम कामा, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। जी हाँ, शॉर्ट स्क्वायर लेग के दिशा पर खेल दिया है 1 रन के लिए। लाला ने किंग्स को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 188 रन इन 95 बॉल। यहाँ बैकफुट पंच करना चाहते थे दिल्ली राधे, मगर अच्छी गेंदबाजी की गौतम। जबरदस्त खिलाड़ी है ये गेंदबाजी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। जी हाँ, पिलर मौजूद, कोई रन नहीं। इस बार फाइन लेग की दिशा पर पिलर मौजूद, आसानी से 1 रन मिलेंगे। गौतम कुमार उछाल प्राप्त की, पुल करना चाहते थे तेली राधे मगर बल्ले पे उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। इस बार भी नापुम कामा पुल करना चाहते थे मगर डिसाइन गेंद, यहाँ वाइड का इशारा। इस बार भी और यहाँ हल्की सी मिसफील्ड, मगर 1 रन मिलेंगे। लंबा लक्ष्य जरूर बड़ा मगर डिजाइन गेन, जी हाँ वाइड का इशारा अनुभव अंपायर हमारे कारारई जी आज के पहला मैच का अंपायरिंग कर रहे हैं। शॉट खेलना चाहते थे मगर फिर से बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं और इसी के साथ पांच ओवर की भी समाप्ति। 5 over has been complete. Score moves on 29 run, loss of 2 wicket. पंजर टाइटंस ने इस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और बल्ले पहला इनिंग में टारगेट 213 का बनाने में कामयाब हुए। और लाल आने किंग्स को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 200 रन। माफी चाहूँगा, लाल आने का किंग्स का ये पहला मैच है तो पहला ही मैच देखना होगा जीत पाएंगे कि नहीं। दोनों ही टीम अब पहला ही जीत की तलाश में। बंजर टाइटंस की अगर बात करें तो पहला मैच हार का सामना करना पड़ा था। पहला इनिंग में हमने देखा तिको की जबरदस्त अच्छी पारी के चलते 213 का टारगेट बनाने सफल हुए थे। जी हाँ, लाल आने किंग को चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 184 रन इन 90 बॉल्स। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टीम का स्कोर 29 रन 2 विकेट गवा के निशान आए हैं गेंदबाजी करने। पिछले मैच में हमने देखा खूबसूरत गेंदबाजी की थी, आज देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे नामुकामा। जी हाँ, नामुकामा यहाँ गेंद को देखा फिर कट की मगर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस बार कदमों का इस्तेमाल फील्डर मौजूद, जी हाँ गलती नहीं करेंगे। नाबम इंडिया मौजूद है, नाबम कामा को लौटना होगा। सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे, 9 रन बना चुके थे मगर अब डकआउट की ओर रोकना और लौटना होगा। नाबम कामा को दबाव में जरूर डाले गेंदबाजी, इसी के चलते नाबम कामा बड़े शॉट के तलाश में अपना विकेट गवा बैठे। इसी के साथ तीसरा विकेट पंजर टाइटंस को मिला। यहाँ रिप्ले देख सकते हैं, कदमों का इस्तेमाल की मगर उतना बेहतर कनेक्शन नहीं और उतना ही शानदार फील्डिंग। जी हाँ, वो कनेक्शन नहीं जितना चाहिए था, इसी के चलते अपना विकेट गवा बैठे। जी हाँ, निशांत आए थे पहला ही ओवर लेके और अपना दूसरा गेंद में विकेट चटकाए। ये अच्छी गेंदबाजी, इस बार भी अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हैं, मेंटेन करते हैं निशांत अपने गेंदबाजी में लाइन और लेन को। पिछले मैच में भी हमने देखा, इसी के चलते विकेट्स मिलते हैं। इस बार डिजाइन मगर बेहतरीन विकेट कीपिंग। वाइड का इशारा, करंट रन रेट 5.5 का और रिकॉर्ड रन रेट है 12.6 इस मैच को जीतने के लिए। तिची तिकली आई है इस बार, जी हाँ, मिड विकेट के दिशा में पिलर मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे। तिची तिकली के पास वो क्षमता है जो बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं ये खिलाड़ी। अंडर 23 डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल चुके हैं। सीके नायडू जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल चुके हैं तिची तिकली। अनुभव की कमी नहीं, बड़े बड़े शॉट्स लगाने में जाने जाते हैं तिची तिकली को, और आज भी उनसे वही उम्मीदें करेंगे लाला नेगी। ये करारा प्रहार की मगर पिलर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छी बल्लेबाज करते हैं तिची तिकली और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 6 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 34 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। तिची तिकली और तिली राधे को यहाँ से अच्छी पार्टनरशिप के साथ लेके जाना होगा इस मैच को जीतना है तो। दोनों ही बल्लेबाजी के पास अनुभव की कमी नहीं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। गौतम आए हैं फिर से गेंदबाजी करने, दूसरा ओवर बैकफुट पे जाके पंच किया है, जी हाँ, कोई रन नहीं। पिल्लर तैनात, विकेट पे डाली गई गेंद और डिफेंस कर दिया। 3 विकेट गवा चुके हैं, जानते हैं तेली रदे यहाँ से जोखिम बड़ा शॉट नहीं खेलना चाहेंगे। ये फील्डर मौजूद थे मगर इस बार बहुत ही खराब फील्डिंग, जी हाँ, दिशा दिखाया टर्नमैन की दिशा में और 6 रन मिलेंगे। कैच पकड़ सकते थे यहाँ नाव इंडिया मौजूद थे, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं मगर इस बार गलती की और कैच का मौका बना मगर जी हाँ टर्नमैन की दिशा में कट कर दिया है, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे। और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 41 पे। अब स्ट्राइक पे आए हैं तिची तिकली। ये बल्लेबाज के बारे में आप जितना ही बताओ उतना ही कम पड़ जाएंगे। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पूरा करना चाहते थे मगर शायद कंफर्टेबल नहीं लगे तिची तिकली इस शॉट को खेलने में। हल्की सी अपील जरूर, मगर यहाँ कोई इशारा नहीं। लेग बाय का इशारा। इसी के चलते ओवर की भी समाप्ति। After the completion of 7 over, score moves on 43 run, loss of 3 wicket. Welcome to Hornbill T20 tournament powered by Pavilion and event partner Provo. You can watch the live on Pavilion TV YouTube channel. Also, you can track the live score on pavilionplay.com. जी हाँ, मैं बता दूँ, इस पहला Hornbill T20 tournament powered by Pavilion and event partner Provo. आप इस मैच को लाइव घर बैठे बैठे Pavilion TV पे YouTube चैनल पे आनंद उठा सकते हैं और इस मैच का स्कोर कार्ड को आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं pavilionplay.com पे। जी हाँ, मैं बता रहा था, इस मैच को आप घर बैठे बैठे आनंद उठा सकते हैं। Pavilion TV पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे और इस मैच का लाइव स्कोर कार्ड को ट्रैक करने के लिए pavilionplay.com पे। निशांत आए हैं फिर से अपना दूसरा ओवर लेके, सामना करेंगे तली इरादे। आप बैकफुट पे जाके यहाँ 1 रन निकाला है। स्क्वायर लेग की दिशा में शॉर्ट स्क्वायर लेग मौजूद नहीं थे, तो उसी के चलते आसानी से 1 रन चुराने में सफल हुए। जी हाँ, यहाँ चतुराई के साथ 1 रन चुराने में सफल हुए। टैप एंड रन, इसी तरह की सिंगल्स डबल्स के साथ टीम के स्कोर को लेके जाना होगा। तिची तिकली और तिली राधे को, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। 19 रन बना चुके हैं तिली राधे। कट कर दिया है, आसानी से 1 रन मिलेंगे। लाला ने किंग्स को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 167 रन इन 75 बॉल्स। इस बार भी जहाँ पिल्लर तहना दे तो आसानी से 1 रन चुराने में कामयाब हुए तिची तिकली। जी हाँ, ये सिंगल्स के लिए खेला गया। जानते हैं उस दिशा पर, मिड विकेट की दिशा पर पिल्लर तैनात नहीं, तो तिली राधे ने 1 रन निकाला मिड विकेट की दिशा में। पान्योर टाइटेंस इस जी हाँ, बिल्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी की और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। After the completion of 8 over, score moves on 48 run, loss of 3 wicket. Hornbill T20 tournament powered by Pavilion and event partner Provo. इस मैच को आप घर बैठे बैठे लाइव Pavilion TV पे YouTube चैनल पे अवेलेबल होंगे और इस मैच का लाइव स्कोर का ट्रैक करने के लिए pavilionplay.com पे आप ट्रैक कर सकते हैं। मैच नंबर 4 तीसरा दिन का पहला मैच खेला जा रहा है पान्यर टाइटेंस वर्सेस लालाने किंग्स के बीच। और अब गेंदबाजी करने आए हैं तामहीना युवा खिलाड़ी। सामना करेंगे तेली इरादे। ये प्लाइटेड गेंद मगर ड्राइव कर दिया है। इस बार मिस पिल के चलते आसानी से 2 रन चुराने में कामयाब हुए और इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर 50 रन, 3 विकेट गवाकर टीम कप्तान टीसीडी को तमहीना को लेके आए हैं। राइट आर्म लेग ब्रेक, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आज देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। फिर से फ्लाइट गेंद ड्राइव कर दिया है। बिल्डर तहनाद लालाने किंग्स को चाहिए अब 162 रन इन 70 बॉल्स। क्रीज पे तेली इरादे और तिकली जैसे बल्लेबाज अब भी क्रीज पे मौजूद। इस बार करारा प्रहार करना चाहा मगर बल्ले पे संपर्क नहीं। तिकली जिनको हम जानते हैं लंबे लंबे चौके और छक्के लगाने में जाने जाते हैं। इस बार जी हाँ मगर बिल्डर मौजूद, कनेक्शन बहुत ही बेहतर मगर बिल्डर मौजूद थे, उसी के चलते 1 रन मिलेंगे। तमहीना उभरता खिलाड़ी अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। इस बार भी कट करना चाहते थे तेली राधे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक बल्लेबाजी को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं तमहीना। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल करके 1 रन चुरा लिया है। इसके चलते ओवर की भी समाप्ति। 9 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 53, लॉस्ट ऑफ 3। और इसी के साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा। और हमारे साथ खूबसूरत ऑडियंस मौजूद है। नवम निगम जैसे सीनियर्स खिलाड़ी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। हॉर्नबिल T20 टूर्नामेंट का मैच नंबर 4 तीसरा दिन का पहला मैच पंजर टाइटंस वर्सेस लाल अने किंग्स के बीच। पंजर टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला की और 213 का टारगेट बनाने में कामयाब हुए। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ गेम प्लानिंग जरूर करेंगे। लाला ने टीम के दोनों ही बल्लेबाजी को टीम कप्तान नावम आबो किस तरह से इस मैच को जीतना के लिए आगे लेके जाएंगे, ये बहुत ही देखना ज़रूरी। पंजोर टाइटंस का ये दूसरा मैच है। पहला मैच पंजोर टाइटंस ने हार का सामना किया, मगर आज उतना ही बेहतरीन कमबैक तिशितिकु के बल्ले से हमने देखा। पहला सेंचुरी इस टूर्नामेंट का, पहला बैट्समैन बने, पहला सेंचुरी बनाने वाले। Hornbill T20 tournament powered by Pavilion and event partner Provo. You can watch the live on Pavilion TV YouTube channel. Also you can track the live scorecard on pavilionplay.com. स्वागत है फिर से। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद निशान टाहे अपना तीसरा ओवर डालेंगे। सामना करेंगे तेलीरदे पर, जो कि 25 रन बना चुके हैं। 26 गेंदों का सामना करके लाला ने किंग्स को चाहिए 160 रन इन 66 बॉल्स। इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट शॉट, मिड विकेट की दिशा में पिलर तैनात। जी हाँ, अच्छी कैच, तामहिना मौजूद थे। युवा खिलाड़ी गलती नहीं करेंगे और इसी कैच के साथ अपना विकेट गवा बैठे तेलीरदे। तेलीरदे को लौटना होगा। अच्छी पारी की उम्मीद की थी, अच्छी खेल रहे थे अब तक, मगर बल्ले भरे शॉट के तलाश में अपना विकेट गवा बैठे। जानते हैं रन की ज़रूरत है। जी हाँ, ये देखिए शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से, मगर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, उसी के चलते तामहिना मौजूद थे वहाँ। शॉट मिड विकेट में आसानी से कैच लपका, कोई गलती नहीं की, ज़बरदस्त कैच। जी हाँ, अब आए हैं टाइम नेरे बल्लेबाजी करने। निशान को मिला अपना दूसरा विकेट, 2 विकेट चटका चुके हैं। अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अब तक 10 रन दी 2 विकेट चटका कर। इस बार गेंद हवा में, पिल्लर मौजूद नहीं, बाल बाल बचे, टाइम नेरे। यहाँ अच्छी गेंदबाजी कहूँगा निशांत द्वारा। अपना काम कर रहे हैं निशांत, 2 विकेट चटका चुके हैं। लाला ने किंग्स को चाहिए 160 रन इन 63 बॉल्स। इस बार भी गेंद हवा में, मगर यह गेंद कैरी नहीं किए, टिकू मौजूद थे कवर्स के दिशा में, बाल बाल बचे। यहाँ जी हाँ, कैरी नहीं किया, अगर कैरी कर जाते तो तिशी तिकू इस कैच को लपक लेते। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं निशांत। अभी अभी आए हैं, टाइम नहीं रही, कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं निशांत की गेंद को खेलने में। इस बार जी हाँ, इस बार 1 रन मिलेंगे। इसी 1 रन के साथ टाइम येरे ने अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पे आए हैं तिची तिकली, 8 रन बना चुके हैं। तिची तिकली को आज अच्छी पारी खेलना होगा इस मैच को जीतने के लिए। लंबे लंबे चौकी छक्के लगाने में क्षमता रखते हैं। मैंने पहले ही कहा था जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर ये 6 रन तिची तिकली यहाँ खतरा साबित हो सकता है पंजौर टाइटंस के लिए। स्वीप कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर 6 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट, और इसी 6 रन के साथ 10वां ओवर की भी समाप्ति। 10 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 60 रन, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। लाला ने किंग्स को चाहिए 153 रन इन 60 बॉल्स। मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं। अब स्ट्राइक पे टाइम नहीं रहे, जी हाँ, अच्छी गेंद, धीमी गति के साथ प्लाइटेड डाली गई गेंद। यहाँ टाइम नहीं रहे पर नहीं पाए, ड्राइव लगाना चाहते थे मगर बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं तामहीना। इस बार गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर, मगर पिल्लर तैनात नहीं, 1 रन चुराने में कामयाब हुए। टाइम मेरे भी तिची तिकली को स्ट्राइक में लाना चाहते हैं, तो अब देखना होगा तिची तिकली। कदमों का इस्तेमाल और जी हाँ, बेहतरीन शॉट यहाँ, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। ये बैट्समैन बड़ा जबरदस्त खेलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, चौके और चक्के लगाने में क्षमता रखते हैं। जी हाँ, अच्छा शॉट, यहाँ बेहतरीन शॉट। रिप्ले देखिए, कदमों का इस्तेमाल किया और बेहतर शॉट यहाँ। इस बार मौका बना, जी हाँ, तना जेम्स तरह मौजूद थे, गलती नहीं करेंगे ये खिलाड़ी। कोच बिहार जैसे अंडर 19 डोमेस्टिक टूर्नामेंट रिसेंटली खेल के आए हैं, दो विकेट भी चटकाए अपने टीम के लिए। ये खिलाड़ी जबरदस्त गेंदबाजी के साथ जबरदस्त फील्डिंग्स भी करते हैं। इसी के साथ तिची तिकली को लौटना होगा, दबाव में नजर आए। तिची तिकली जानते थे रन की बहुत ही जरूरी, तो चौके और चक्के के तलाश में यहाँ अपना विकेट गंवा बैठे। अच्छा कनेक्शन नहीं, इसी के चलते यहाँ सीधा पिल्लर के हाथों। मगर उतना ही अच्छा कैच तना जेम्स तारा मौजूद थे, गलती नहीं करते, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। तना माफी चाहूँगा, ताम हिना के बारे में बात कर रहे थे। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पहला विकेट चटकाया अपना, दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इस बार भी फिर से वही गेंद कट करना चाहते थे तूलो, अभी अभी आए हैं क्रीज में। पांच विकेट गंवा बैठे लाला ने किंग्स। इस बार पिल्लर के ऊपर से और पिल काफी स्लो, यहाँ देखना होगा। जी हाँ, रोकने में कामयाब हुए। दो रन जरूर मिलेंगे। इसी के चलते 11वां ओवर की भी समाप्ति। 11 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 69 रन, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। बता दूं हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का मैच नंबर 4 तीसरा दिन का पहला मैच पंजर टाइटेंस और लालाने किंग्स के बीच खेला जा रहा है और पंजर टाइटेंस ने टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 213 का टारगेट बनाए। टीम कप्तान ऋषि रिकू ने जो बेहतरीन पारी खेला, गेंदबाजी करने आए हैं फिर से नाबम इंडिया। ये जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, मगर जी हाँ डिसाइन गेंद यहाँ वाइट का इशारा। बहुत ही खराब गेंद यहाँ, इस तरह की गेंदबाजी की उम्मीदें नहीं करते हैं नाबम इंडिया से। इस बार जी हाँ ग्लांस कर दिया है, शॉट स्क्वायर की दिशा में, आसानी से एक रन चुराएंगे। इसी एक रन के साथ लाल अने किंग्स को चाहिए 142 रन इन 53 बॉल्स। वाह तूलो, यहाँ अच्छी गेंद। अभी अभी जो क्रीज पे आए थे 2 रन के साथ अपना काता खोल चुके हैं। नाबम इंडिया अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी की, 13 रन दी, मगर विकेट चटका नहीं पाए। नाबम इंडिया अब भी अपना पहला विकेट के तलाश में। ड्राइव करना चाहते थे मगर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। जी हाँ, अच्छी गेंद है, स्लोअर डाली गई गेंद है, पर नहीं पाए तुलो। और यहाँ बैक टू बैक डॉट्स गेंद निकालने में कामयाब हुए नावम इंडिया। अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं, हालांकि अब तक विकेट चटका नहीं पाए मगर इकोनॉमी काफ़ी बेहतरीन। इस बार कवर्स के लिए साबर तिशिति को मौजूद। रिक्वायर्ड रन रेट इस मैच को जीतने के लिए 17.4 का। खराब गेंद, यहाँ डिसाइन गेंद, वाइट का इशारा, बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं मगर नावम इंडिया यहाँ लगातार डिसाइन गेंद। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी कमबैक कट करना चाहते थे तुलो मगर बल्ले में संपर्क नहीं। इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति। 12 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 72 रन, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। हॉर्नबिल T20 टूर्नामेंट पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर फ्रोवो। इस मैच को आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं, पवेलियन टीवी पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। और इस मैच का लाइव स्कोर कार्ड को ट्रैक करने के लिए pavilion.play.com पे पंजाब टाइटंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 213 का टारगेट सेट किया। लाला ने किंग्स चेसिंग करते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं, अब तक 5 विकेट गवा चुके हैं, 72 रन बनाए, 141 रन चाहिए इन 48 बॉल्स। बहुत ही मुश्किल यहाँ से मैच जीतना मगर नामुमकिन नहीं। तम हिना आए हैं, तीसरा ओवर डालेंगे अपना। अच्छी गेंद जी हाँ, मगर यहाँ डिसाइन वाइट का इशारा, करा रही गलती नहीं करेंगे, अनुभव है, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है। ओह, इस बार हटकर मिड विकेट की दिशा पर खेलना चाहते थे मगर गेंद थप्पा खाकर गेंद में उछाल नहीं। जी हाँ, ये देख सकते हैं जितने उछाल की उम्मीद कर रहे थे टाइम नहीं रहे मगर वो उछाल नहीं उस गेंद में। तो पूरी तरह से बीत हुए। कदमों का इस्तेमाल, इस बार बेहतरीन शॉट, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। टाइम नियरे के बल्ले से ये पहला चक्के। जी हाँ, जान रहे हैं रन की बहुत ही जरूरत और पूरा कदमों का इस्तेमाल के साथ इस बार भी गेंद थोड़ी देर के हवा में जरूर मगर वो फील्डर नहीं। तामीना अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। यहाँ खराब गेंद, जी हाँ डिसाइन गेंद, वाइड का इशारा, अंपायर दोबारा तमीना अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मगर दो डिसाइन गेंद डाल चुके हैं और यहाँ फिर से और एक डिसाइन गेंद, बैक टू बैक डिसाइन, अतिरिक्त रन यहाँ बार बार युवा खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इस बार अच्छी गेंद, जी हाँ कट करना चाहते थे मगर बल्ले पे संपर्क नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट इस मैच को जीतने के लिए 18.3 का 82 रन बना चुके हैं लालाने किंग्स। कट कर दिया है इस बार, पॉइंट की दिशा पर फील्डर तैनात थे, ताना जेम्स तारा मौजूद थे मगर मिसफील्ड के चलते आसानी से एक रन चुराने में कामयाब हुए। इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं घर बैठे बैठे पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल पे और स्कोर कार्ड को ट्रैक करने के लिए pavilion.play.com पे। तीसरा दिन का ये मैच नंबर 4 पंजर टाइटन वर्सेस लालाने किंग। फिर से नवम इंडिया आए हैं, हल्की सी अपील मगर कोई इशारा नहीं। अब लालाने किंग्स को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 130 रन इन 41 बॉल्स। नवम इंडिया अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं, अब तक अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी जरूर की मगर विकेट चटका नहीं पाए। सीधा बल्ला से खेला है आसानी से, जी हाँ यहाँ 2 रन भी चुरा लेंगे, बहुत ही यहाँ फील्डिंग खराब, 1 रन की जगह 2 रन दे बैठे मगर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ दोनों ही बल्लेबाजी के बीच। देखिए अब ड्राइव किया और शुरुआत गेंद, इस बार भी 1 रन मिलेंगे। लालाने किंग्स को चाहिए अब 127 रन इन 39 बॉल्स। बेहतरीन इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं, इस बार 9 बॉल का इशारा, स्नो बॉल का, जी हाँ रिप्ले देखना बहुत ही जरूरी होगा, शायद जी हाँ टांग विकेटों पे जाके टकराए और बेल गिरने के कारण यहाँ अंपायर द्वारा 9 बॉल का इशारा और पूरा फ्री हिट मिलेगा, पूरा लाइसेंस प्राप्त, इस गेंद में कहीं भी बेच सकते हैं। वाह इस बार बल्ला तो जबरदस्त चलाया मगर कनेक्शन नहीं। जी हाँ हल्के हाथों से खेला, जरूर 1 रन चुराने में सफल हुए। यहाँ 2 रन भी मिल जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तायुम और तुलो के बीच में। Hornbill T20 tournament powered by Pavilion and event partner Provo. You can watch the live match on Pavilion TV YouTube channel. Also, you can track live scorecard on pavilionplay.com. और इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट के शॉट, मिड विकेट की दिशा में आसानी से कैच लपक लेंगे। पहला विकेट मिला नवम इंडिया को। अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी इकोनॉमी के साथ, और अपना आखिरी ओवर में अपना पहला विकेट चटकाया। अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, देखना होगा, क्लिक करना चाहते थे यहाँ टाइम ये, मगर वो कनेक्शन नहीं बल्ले पे, बल्ले के ऊपर ऊपरी किनारा लगा मगर और सीधा पिलर्स के हाथों। ये खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं नवम इंडिया। और जी हाँ, हमारे साथ दर्शक हैंडसम हंक दर्शक मौजूद इस मैच का आनंद उतार रहे हैं। तबा तपा जैसे तची तादो, स्वागत है आप सभी का। फोर्टीन ओवर, और इस बार भी लटकाई गई गेंद पर नहीं पाए तुलो। 14 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 89, लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। इस बार पिलर मौजूद, कोई रन नहीं। अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं तामहीना। 25 रन दे चुके हैं 1 विकेट चटका कर। जी हाँ, ये दिशा इन गेंद, वाइड का इशारा। इस बार गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर, मगर पिलर तैनात नहीं थे, इसके चलते 1 रन जरूर मिलेंगे। और अब स्ट्राइक पे आए हैं नावम आबो, टीम के कप्तान लालाने किंग्स का। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, देखना होगा अब। रिक्वायर्ड रन रेट 22.2 का। जी हाँ, कट कर दिया है आसानी से, अपना खाता खोला 1 रन के साथ नाबू आबू ने। इस बार मौका जरूर बना, मगर कोशिश अच्छी, मगर लपक नहीं पाए। अब स्ट्राइक लेंगे नावम आबू। जी हाँ, क्रॉस गए, जगह बनाना चाहते थे, पिलर्स के ऊपर से मारना चाहते थे, मगर कनेक्शन बेहतर नहीं है। और ये फिर से गेंद हवा में जरूर, मगर इस बार भी फील्डर तैनात नहीं। और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 94 रन लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। अब गेंदबाजी करने आए हैं तना जेम्स तारा, अपना 2 विकेट चटकाए हैं तना जेम्स तारा ने। अपना तीसरा ओवर डालेंगे। 12 रन दिए अब तक, 2 विकेट चटका चुके हैं। जी हाँ, कवर्स की दिशा पर ड्राइव जरूर किया मगर फील्डर तैनात। स्ट्राइक पे नावो मावो टीम के कप्तान। अच्छा शॉट इस बार, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेंगे। अब तक तना जेम्स तारा ने अच्छी गेंदबाजी की है, 2 विकेट भी चटका है। जी हाँ, कट करना चाहते थे तुलो, मगर बल्ले पे संपर्क नहीं। कदमों का इस्तेमाल, मगर ओह यहाँ 1 रन चुराना चाहते थे तुलो, मगर मना कर दिया नाबम आबू ने। लाल आने किंग्स को चाहिए 118 रन। रिक्वायर्ड रन रेट इस मैच को जीतने के लिए 27.2 का। इस बार भी ड्राइव करना चाहते थे मगर फिर से बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों। Hornbill T20 tournament powered by Pavilion and event partner Bravo. You can watch the live on Pavilion TV YouTube channel. इस बार टांगों पे डाला और वो रूम नहीं मिला बल्लेबाज को। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 95 रन लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। और इस मैच को आप, इस मैच का लाइव स्कोर कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं pavilion play.com पे, और घर बैठे बैठे इस मैच का लाइव देख सकते हैं पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बता दूं, दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा परे टोर्नेडोस वर्सेस पोमा टाइटंस के बीच। इस मैच के ख़त्म होने के कुछ ही देर बाद खेलेंगे। अच्छी गेंद यहाँ कुशाल आए हैं गेंदबाजी करने। मैं बता रहा था मैच नंबर 5 खेला जाएगा पारेटोनेडोस वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स के बीच इस मैच के। और इस बार पुल करना चाहते थे नावो मावो। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 2 गेंद डाल चुके हैं कुशाल अच्छी गेंद के साथ। आज इस बार भी अच्छी गेंद। वन 118 रन चाहिए इन 21 बॉल्स। नावो स्ट्राइक पे। जी हाँ, कैचित की मांग जरूर मगर फील्डर के ऊपर से ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तीसी को मौजूद थे कवर्स की दिशा पे मगर रिप्ले देखना होगा। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल कैच, ये नामुमकिन बराबर। और इस बार स्लोक स्वीप कर दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। नावो मावो जितनी ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं उतनी बल्लेबाजी करते हुए ये देखिए जरा शानदार स्लोक स्वीप सीधे मिड विकेट के ऊपर से। इस बार भी पुल किया है मगर फील्डर मौजूद, मात्र 1 रन मिलेंगे। और इसी 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। 17 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 106 रन, लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। इस मैच के खत्म होने के साथ साथ मैच नंबर 5 खेला जाएगा पारेटोनेडोस वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। ताना जेम्स तरह आए हैं, अपना आखिरी ओवर डालेंगे। अच्छी गेंद। जी हाँ, आसानी से 1 रन चुरा लिया। जी हाँ, यहाँ अंदर आती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी, उतनी बेहतरीन विकेट कीपिंग इस बार सीधा। जी हाँ, इसी के साथ तीसरा विकेट मिला ताना जेम्स तारा को। अच्छी गेंदबाजी करते हैं युवा खिलाड़ी, अंडर 19 कोच बिहार जैसे टूर्नामेंट हाल ही में खेल के आए हैं। शानदार कैच लपका तेजी सोनम। अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। छोटा गेंद थे, पुल करना चाहते थे मगर अब दोयंग आए हैं, नवम दोयंग। सीधा बल्ला से खेला, एक रन की मांग की है, जी हाँ आसानी से चुरा भी लेंगे। इस बार शानदार शॉट, यहां नागो हो गए बल्ले से। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट यहां तान्हा जेम्स तारा को सामने से खेला है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, 199 स्ट्राइक रेट के साथ। यो अच्छी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 18 over has been complete. The score moves on 114 run, lost of 7 wicket. कोसाल आए हैं, गेंद हवा में, जी हाँ देखना होगा। ओह यहाँ आसान से के चोर बेटे कोसाल। यहाँ आसान से कैच लपक सकते थे, मगर बहुत ही खराब कैच, लपक नहीं पाए। अब नाव मावो स्ट्राइक पे, आहा यहाँ कट कर दिया है, मना कर दिया है। चौके और चक्के लगाना चाहते हैं नाव मावो, सिंगल्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 98 रन चाहिए 10 गेंदों में। जी हाँ इस बार गेंद हवा में जरूर, इस बार जी हाँ लपक लिया है, आउट का इशारा। अच्छी फील्डिंग, क्लियर नहीं कर पाए, यहाँ सीधा पिलर्स के हाथों अपना विकेट गंवाया। आज का दिन का मैच नंबर 5 खेला जाएगा पैरेटोर्नेडोस वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। आप उस मैच को लाइव देख सकते हैं पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल पे। अच्छी कैच यहाँ जर्सी नंबर 19 मौजूद थे। पट्टीवन आए हैं बल्लेबाजी करने, और यहाँ हाथ कर बैकफुट पंच करना चाहते थे, मगर बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं। खेला है मिड विकेट की दिशा में, आसानी से एक रन चुराया और उसी एक रन के साथ अपना खाता भी खोला। इस बार देखना होगा, शॉट खेलना चाहते थे। जी हाँ, थर्ड अंपायर की ओर रिव्यू चेक करेंगे। जी हाँ, नॉट आउट का इशारा। अब आखिरी ओवर पहला इनिंग का। सेवन रन चाहिए 6 गेंदों में, नामुमकिन है यहाँ से मैच जीतना। वन 116 रन पे 8 विकेट गवा चुके हैं लालन किंग्स। निशान टाए हैं गेंदबाजी करने, अपना आखिरी ओवर डालेंगे। 2 विकेट चटकाए 17 रन देकर, अच्छी गेंदबाजी की। इस बार पुलर गेंद कनेक्शन अच्छा नहीं, 1 रन मिलेंगे। मैच नंबर 4 पहला मैच खेला गया था, खेला जा रहा है पान्यर टाइटंस वर्सेस लालन किंग्स के बीच। स्लोक स्वीप करना चाहा मगर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे। इस बार फोन के हिस्सा पर कतरा हो सकता है, मगर कुछ भी हो सकता था अगर अच्छी फील्डिंग करते तो। अब 3 गेंदों में 94 रन चाहिए। इस बार उतार दिया है। जी हाँ, शानदार शॉट, 6 रन मिलेंगे। नाबम दोयंग के बल्ले से ये चक्के, अच्छा कनेक्शन बल्ले में और सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बार गेंद हवा में, पिल्लर मौजूद पॉइंट की दिशा पर और लपक लिया है। इसी के साथ 9 विकेट लॉस्ट लालन किंग्स। तीसरा विकेट मिला निशांत को, अच्छी गेंदबाजी की। अब आखिरी गेंद है इस मैच को। मनीष आए हैं बल्लेबाजी करने, आखिरी गेंद डालेंगे निशांत। तीन विकेट चटकाए, आखिरी गेंद ये देखना होगा। जी हाँ, यहाँ कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे मगर अच्छी विकेट कीपिंग, सीधा स्टंपिंग कर दिया। इसके साथ ऑल आउट भी और दूसरा इनिंग की भी समाप्ति, और इस मैच को खूबसूरत विकेट कीपिंग है। तिची सोनम शानदार विकेट कीपिंग करते हैं, गलतियां कम करते हैं। पान्योर टाइटंस ने इस मैच को 87 रन से जीत लिया है। अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन की पान्योर टाइटंस ने पहला इनिंग में, और लाल अने किंग्स चेसिंग करते हुए इस मैच को जीत नहीं पाए। और दर्शकों, आप कहीं ना जाइएगा, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन बाकी हमारे बने रहेगा हमारे साथ लाइव पवेलियन टीवी पे। कुछ ही मिनटों बाद हमारे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आज के पहला मैच का किया जाएगा, बने रहेगा हमारे साथ। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन कहाँ क्यों कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोबो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोबो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड। जी हाँ, इस बार ड्राइव कर रहा चाहते थे मगर, जी हाँ मैंने पहले ही कहा था, यहाँ स्क्वायर लेग के दिशा में कदमों का इस्तेमाल इस बार। जी हाँ, फील्डर्स के इस बार कदमों के इस्तेमाल के साथ फील्डर्स के ऊपर से खेल दिया है सीमा रेखा। इस बार कदमों का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद, जी हाँ गलती नहीं की आई है इस बार। जी हाँ, ये फील्डर मौजूद थे मगर इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में फील्डर थे ना। मैंने पहले ही कहा था, जी हाँ कदमों का इस्तेमाल, और जी हाँ बेहतरीन शॉट। इस बार मौका बना, जी हाँ कदमों का इस्तेमाल, इस बार बेहतरीन शॉट। और इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट के, जी हाँ कैचित की मांग जरूर मगर है। और इस बार स्लोक स्वीप कर दिया है, इस बार सीधा, जी हाँ इस बार शानदार शॉट यहाँ। जी हाँ इस बार गेंद हवा में जरूर, इस बार उतार दिया है जी हाँ, इस बार गेंद हवा में, पिल्लर मौजूद पॉइंट की दिशा पर और जी हाँ, यहाँ बोथ ऑफ द टीम कैप्टन्स प्रेजेंटेशन के लिए आ जाइए। दोनों ही टीम बोस्टनर्स प्रेजेंटेशन के लिए आ जाइए। So today match number 4, Panjor Titans versus Lal Ane King. Toss won by Panjor Titans, elected to bat. Panjor Titans score to 212 in 20 overs. Lal Ane Kings chase करते हुए 125 में all out हुए और Panjor Titans won by 87 runs. तो आज के मैन ऑफ द मैच को मैं सीधा बुलाना चाहूँगा तेसी टीकू, जिन्होंने 103 रन्स बनाए 65 बॉल्स में, और मैन ऑफ द मैच को रिप्रेजेंट, चेक को रिप्रेजेंट करेंगे मुरांग लोगी, बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट। और तेसी टीकू जी, में से आपसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा। तो आज आपका पहला टूर्नामेंट का 100 था, तो आपका 100 आपने किस तरह से माइंडसेट बनाकर बनाए, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। पहला तो ये है कि बहुत बहुत मेहनत है, ये सब पे बहुत मेहनत है। और दूसरा ये कि क्रिकेट मेरे लिए एक धर्म है, और जिसके लिए धर्म होता है उसके लिए एक भगवान भी होता है। आज जो भी है भगवान, क्रिकेट का भगवान ही जो हमको देखा है। तो ये मेरा पहला सेंचुरी है, ऐसा 1990 से बहुत बार 5-6 बार आउट हो चुका है, तो ये पहला सेंचुरी है। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ आज स्पोर्ट्समैन प्रेजेंटेशन पे मौजूद थे नाबम रोजर जी, ईटानगर क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनरेरी सेक्रेटरी और बीजेपी के प्रेसिडेंट पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के, और मैच रेफरी के रूप में नाबम तारिंग जी। तो इसी के साथ हम आज का स्पोर्ट्समैन प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। तो आप भी पढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोबो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोबो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।